हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है जेई एडवांस 2017 में एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से नर्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, पूछा हुआ था जेई एडवांस में। ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 20 है। यहाँ पर आप देखेंगे कि फॉर द फॉलोइंग सेल, यानी कि एक सेल दिया हुआ है जो कि सिंपल सेल है, ZN और ZnSO4, जो कि हम जनरली हर जगह डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपको पता होगा कि इसका जो एन वैल्यू है, एन फैक्टर वैल्यू जो है वो कितनी है, 2 है। इतना तो क्लियर हो गया, क्योंकि हम इसको बेसिक से लेके एडवांस तक जब भी पढ़ते हैं तो इसी सेल को डिस्कस करते हैं। हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे कि इन्होंने बोला हुआ कि वेन द कंसनट्रेशन ऑफ ZN प्लस इज 10 टाइम्स द कंसनट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस, यानी कि अगर आप बात कर रहे हो, यहाँ पे देखोगे कि ZN2 प्लस की जो कंसंट्रेशन है, अगर मैं मान लेता हूँ कि ये 10 मोलर है, तो जो यहाँ पर Cu2 प्लस की कंसंट्रेशन होगी वो कितनी हो जाएगी, 1 मोलर। इतना क्लियर हुआ आपको? चलिए, यानी कि ZN2 प्लस का क्या होता है मेरा, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, और Cu2 प्लस का क्या होता है, यहाँ पर रिडक्शन, यानी कि इन दोनों की कंसंट्रेशन आपने डिफाइन कर ली। अब इन्होंने पूछा हुआ है कि द एक्सप्रेशन फॉर डेल्टा जी, जो कि डेल्टा जी है ना, चेंज इन फ्री एनर्जी की आप बात कर रहे हो, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा। इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एफ जो है फैराडे कांस्टेंट है, आर जो है गैस कांस्टेंट है, और टेम्परेचर यहाँ पर जो होगा वो मेरा टी होगा। और यहाँ पर इन लोगों ने जो सेल कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, इस सेल का जो ई सेल वैल्यू है वो गिवेन है। क्या है? ई सेल वैल्यू जो है वो गिवेन है। यानी कि अब आप एक बात करिए, यहाँ पे देखेंगे कि जब आपको डेल्टा जी फाइंड आउट करना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस एन एफ, और यहाँ पर ई सेल आपको निकालना पड़ेगा। याद रखिएगा, आपको ई सेल जो है निकालना पड़ेगा। क्लियर हुआ? यानी कि ई सेल निकालने के लिए आपको नॉस्ट इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। तो अब बताइए नॉस्ट इक्वेशन क्या है, उसको हम देखते हैं। नॉस्ट इक्वेशन यहाँ पे जब आप देखोगे तो नॉस्ट इक्वेशन क्या होगी, कि यहाँ पर ये होगा ई सेल इक्वल्स टू, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई स्टैंडर्ड सेल माइनस, यहाँ पे याद रखिए कि क्या होगा, 2.303 आर टी अपॉन एन एफ इंटू लॉग, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन की कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिडक्शन। ठीक है, यही आपको वैल्यू पुट करनी है। तो सबसे पहले याद रखिए कि जब आप डेल्टा जी निकालोगे ना तो आपको ई सेल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए E स्टैंडर्ड सेल की भी वैल्यू गिवन है, R N F T, N की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, देखिए 2 है N की वैल्यू, और ऑक्सीडेशन और रेडॉक्स की जो रिडक्शन है उसका कंसंट्रेशन आपको गिवन ही है, यहाँ पर 10 मोलर ऑक्सीडेशन की और 1 मोलर जो है वो रिडक्शन की। ठीक है, वैल्यू आप पुट कर दीजिए तब आपको E सेल निकल जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे E सेल वैल्यू जब आप निकालोगे तो E स्टैंडर्ड सेल जो है यहाँ पर आप देख रहे हो वो कितना है, 1.1 वोल्ट माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2.303 आर टी अपॉन एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो बच्चों, 2, तो 2 एफ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग 10 अपॉन 1, यानी कि 10 मोलर अपॉन 1 मोलर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर लॉग 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम्प्लीटली ये मेरी 1 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो ई सेल की वैल्यू निकल के आई है, क्या आई है, 1.1 माइनस 2.303 आर टी अपॉन 2 एफ। इतना क्लियर हुआ? ई सेल की वैल्यू आप देख लीजिएगा कितना आ गया ये। अब आपको कुछ ही नहीं करना है, सिंपल ये जो ई सेल की वैल्यू है ना, ये यहां से आपको क्या करना है, ई सेल की वैल्यू यहां पर पुट कर देनी है। क्या करना है, चेंज इन फ्री एनर्जी वाले में, इक्वेशन में या फॉर्मूले में आपको ई सेल की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर देनी है। तो चलिए पुट करते हैं। यहां पे आप देखोगे कि ये रहा आपका चेंज इन फ्री एनर्जी, तो क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ, और ई सेल यहां पर है, याद रखिएगा ई सेल, और यही यहां से आपको क्या करना है, ई सेल की वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, तो चलिए पुट करते हैं। तो डेल्टा जी इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा, यहाँ पे देखिए माइनस, और एन की वैल्यू क्या है, 2, और एफ और ई सेल की वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 1.1 माइनस 2.303 आर टी अपॉन 2 एन एफ। ठीक है, अब इसका 2 एफ का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे देखोगे क्या निकल के आएगा आपको, यहाँ पर ये देखिए, तो यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2.2 एफ हो जाएगा, और यहाँ से क्या होगा, जैसे ये मल्टीप्लाई होगा तो 2.2 एफ जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, और माइनस माइनस का जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, प्लस, और यहाँ पर ये हो जाएगा
2.303 RT, इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ, ये हुआ। अब इसको रीअरेंज कर दीजिए, जब आप रीअरेंज करोगे तो आपको जो डेल्टा जी की वैल्यू निकल के आएगी क्या आएगी, 2.303 RT माइनस 2.2 F, यही आपकी डेल्टा जी की वैल्यू निकल के आई है। आप ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो जो बी ऑप्शन है वो मेरा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।